हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विस एसोसिएशन के आह्वान पर प्रदेश भर के सरकारी अस्पतालों में सरकारी डॉक्टरों द्वारा आज सुबह 2 घंटे के लिए पेन डाउन सांकेतिक हड़ताल रखी गई। रेवाड़ी में भी सरकारी डॉक्टरों की हड़ताल का पूरा असर देखने को मिला। यहां भी अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर रेवाड़ी जिले के नागरिक अस्पताल के अंतर्गत आने वाले सभी सीएचसी और पीएचसी के सरकारी चिकित्सकों ने स्टेट बॉडी के पदाधिकारी डॉक्टर अनिल यादव की अध्यक्षता में 2 घंटे की पेन डाउन हड़ताल रख अपना विरोध जताया। हालांकि इस दौरान अस्पतालों में इमरजेंसी सेवाएं सुचारू रूप से जारी रही और 11 बजे के बाद ओपीडी शुरू हो गई, लेकिन सुबह 9 बजे से 11 बजे तक 2 घंटे की हड़ताल के कारण अस्पताल में आने वाले मरीजों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सरकार को चेतावनी देते हुए उन्होंने कहा कि ये उनकी सांकेतिक हड़ताल है, अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आगे स्टेट बॉडी द्वारा लिए गए फैसलों के आधार पर आगामी रणनीति तैयार की जाएगी। रेवाड़ी जिला संगठन के प्रधान डॉक्टर संदीप यादव और महासचिव डॉक्टर अभिषेक राव ने मीडिया को बताया कि अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर संगठन पहले भी सरकार के समक्ष अपनी मांगे रख चुकी है, लेकिन सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है, जिस कारण उन्हें आज 2 घंटे के लिए पेन डाउन हड़ताल रखनी पड़ी। 2 घंटे की हड़ताल के कारण मरीजों को परेशानी झेलनी पड़ी, लेकिन सरकार के ढुलमुल रवैये के कारण उन्हें मजबूरन ये कदम उठाना पड़ा और अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो स्टेट बॉडी कमेटी के फैसले के आधार पर आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। एक्चुअली हमारे 2019 से मांगे चलती आ रही हैं, जो 4 मेजर डिमांड्स हैं हमारी। पहली डिमांड है जो स्पेशलिस्ट कैडर को, जैसे बहुत आम जन को इस चीज़ से तकलीफ होती है कि बहुत कम स्पेशलिस्ट जो हैं वो मिल पाते हैं हॉस्पिटल्स में, सरकारी अस्पताल में। उसका कारण है सरकार की कोई ठोस पॉलिसी नहीं है उनको रोकने के लिए, तो उसकी डिमांड है पहली हमारी कि स्पेशलिस्ट कैडर को जल्द से जल्द बनाया जाए और उसको एक बेहतर तरीके से बनाया जाए जिसमें स्पेशलिस्ट को फ़ायदा हो और वो सर्विस में रिटेन करें। दूसरी जो मांग है वो है 4 ACP का एश्योर्ड करियर प्रमोशन जो होते हैं, वो हरियाणा में अभी 3 दिए जा रहे हैं, उसको जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और बिहार गवर्नमेंट है ऐसी जगह पे 4 दिए जाते हैं, 4, 9, 13 और 20 साल के सर्विस पे। तो यही हमारी डिमांड है कि 4 ACP जो हैं वो सभी डॉक्टर्स को दी जाएँ। तीसरी जो डिमांड है वो है डायरेक्ट SMO रिक्रूटमेंट की, कि सरकार डायरेक्ट SMO रिक्रूट करने की सरकार की मंशा है, जो कि हमारे कैडर में फिर आगे जो प्रमोशन की अपॉर्चुनिटीज़ बाकी लोगों के लिए नहीं होती। तो डायरेक्ट SMO आ जाता है तो जो बाकी MOs हैं उनका प्रमोशन नहीं हो पाता, और बहुत सारे ऐसे हैं कि जो MO रिटायर हो जाते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा एक प्रमोशन मिल पाता है जो SMO का है, उसके ऊपर उनको प्रमोशन की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। इसलिए जो दूसरी डिमांड है वो है डायरेक्ट SMO की रिक्रूटमेंट रोकने की, उसके लिए हमें गजट नोटिफिकेशन की डिमांड की है सरकार से। राजेश मनोरोग चिकित्सक सिविल हॉस्पिटल रेवाड़ी, मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ HCMS एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट ब्रांच का। मैं आम जनता के साथ हूँ और आम जनता हमारे साथ है, क्योंकि आम जनता को भी स्पेशलिस्ट की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है और हम चाहते हैं कि जनता को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसलिए सरकार से हमारी दरख्वास्त है कि ये मांगे जल्दी से जल्दी मानी जाए ताकि आम जनता को आगे और कोई परेशानी ना उठानी पड़े। थैंक यू। रेवाड़ी से खबरनामा हरियाणा के लिए राजेश शर्मा की रिपोर्ट।